आयतनवान् भवति यो वायुमे आयतनम् वेद जल्दी चलिए। हाँ अभी आता हूँ। बेटा ये नए कपड़े पहन लो। नए कपड़े? आज ना मेरा जन्मदिन है ना ही कोई त्योहार, तो ये किसके लिए? आज पूरे गांव की जीत का दिन है बेटा। पूरे गांव की जीत? ये जीत क्या होती है? दिल से कुछ चाहना और उसे हासिल कर लेना, उसे जीत कहते हैं। ऐसा है तो मैंने भी ठान लिया है पापा। क्या बेटा? आज से मैं रोज जीतूंगा और जो चाहिए उसे हासिल करूंगा। चलो अब बाल बना लो। ये नया स्टाइल है पापा। पर अन्नू को पसंद नहीं आए तो? अन्नू और उसकी फैमिली भी पूजा में आ रही है। बेटे जहाँ तुम हो वहाँ अन्नू तो जरूर होगी। तो आप साइड हो जाइए, मैं अपना स्टाइल खुद बनाऊंगा। तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए, बाकी लोग जाने के लिए तैयार हैं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कैसे हो सूर्या? तुम कैसी हो बहन? मैं भी अच्छी हूँ। नमस्ते। हम सब कुछ समझते। ये कैसे हेयर स्टाइल है? तुम्हारे घर पे कंघी नहीं है क्या? आपके दोनों परिवार को साथ देखकर हमें बहुत खुशी होती है। सही कहा, आप जैसे सच्चे दोस्त सिर्फ कहानियों और किताबों में होते हैं, असली जिंदगी में नहीं। हम तो बस खेतों में काम करने वाले मजदूर थे। आप दोनों की दोस्ती की वजह से हम भी किसान बनेंगे। आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा खुश रहे मालिक। ऐसी बात नहीं है, पूरे गांव की खुशहाली में ही हमारी खुशी है। चलो चलो। विजय प्रताप जी, सफेद कमल के फूल कहाँ हैं? आप गांव की परंपरा भूल गए क्या? तुम फूल नहीं लाई? वो दीदी ने कहा था मैं लाऊंगी। अरे फूल तो मैं घर पर ही भूल गई। सुबह से इन दोनों ने परेशान कर रखा था, तैयार ही नहीं हो रहे थे। सुनिए जी, जाके फूल ले आइए ना। मैं जाके लेकर आता हूँ मामा। तुम लाओगे? अकेले जाओगे, डर नहीं लगेगा? क्या कहा, डर? और मुझे? तेरी मुझे सफेद कमल के फूल बहुत पसंद है, लेके आओ ना। लेके आऊंगा तो मुझे क्या दोगी? मुझे जमीन के पेपर नहीं चाहिए। मैं अपना ये लॉकेट दूंगी, इसे पहनकर तुम्हें ताकत आ जाएगी। डील मंजूर है। नमस्ते। हम सब कुछ समझते हैं। ये देवी के लिए, ये अन्नू के लिए। वेलकम टू वीकेंड गेम्स। बाय द वे, इस ट्रेन रेस के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं। बट गाइस,
इस बार की रेस थोड़ी हटके है। इस बार ट्रेन के साथ साथ नहीं, अपनी कार ट्रेन के सामने चलानी है। जो पहले ट्रैक से हटेगा वो होगा लूजर। अकड़ सबके पास होती है, लेकिन सबके पास मेरे जैसा कलेजा नहीं होता। इट्स एन ओपन चैलेंज। इट्स अ रिस्क डूड, इसमें जान भी जा सकती है। माय डियर, अगर रेस में रिस्क ना हो तो मजा ही क्या। इसलिए दोस्तों, बेट की रकम 1/10 है। 10,000 लगाओगे 1,00,000 जीत कर जाओगे। क्यों फट्टुओ? ए कोई माइका लाल, मतलब तुम सब मानते हो कि इस गेम का चैंप मैं हूँ। जेम्स द ग्रेट बैटिंग के लिए जिगर रखता है और वो जिगर बाजार में नहीं बिकता। अरे ओ नीच, प्लस कमीने, बहुत फुदक रहा है। एक मिनट, थोड़ी देर में आमची मुंबई को पता चल जाएगा कि तेरे को रेस में हराने के लिए इधर ही एक शाणे ने एंट्री मार ली है। मुझे रेस में हराने वाला वो छछुंदर तू है। अपुन नहीं है, अपुन का लीडर होगा कोई गली का लीडर। वो गली का लीडर नहीं है, गैंग लीडर। ऐसा क्या? हाँ, जब वो चले वो लगे ऑडी, फेस टू फेस 3D, चाल में एक स्टाइल है, फेस पे उसके स्माइल है, पब्लिक में उसका क्रेज है, अकेला सब पे भारी, चौड़ी है उसकी छाती, औलाद की वो औलाद है। डेमो देख ले। राजा, बैटिंग राजा, आदमी कम रिस्क ज्यादा। अबे गली के बिल के छछुंदर, तू मुझे हराएगा? ए, ये छछुंदर तुझे ऐसा काटेगा ना, बिलक बिलक कर मर जाएगा। लगता है तुझे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मालूम। ए, हमारे हीरो को तोड़ना आता है, फिर वो रिकॉर्ड हो या हड्डियां, जान से जाएगा। ए अकड़ू, मैं जो भी खेल खेलता हूँ सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूँ, और तुझ जैसे कई आए और कई गए, समझा? लग गई 10,000 की, कम ऑन। अपना हीरो ही जीतेगा। आज मुकाबला होगा मस्ती गैंग वर्सेस बस्ती गैंग। पसीने का मुकाबला परफ्यूम से, मसल के रख देंगे। वीर बहादुर लड़का कौन, अपना राजा और कौन? जीते हुए पैसे
बहन का ऑपरेशन करवा देना। मेरी बहन के लिए तूने अपनी जान दांव पे लगाई? अबे मेरी भी तो बहन है। अबे अब क्या भैया को रुलाएगा? चल पार्टी हो जाए, बोतल खोल। अबे तू नहीं सुधरेगा, चल 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 तल्ले। क्या घर का काम करने के लिए बाई चाहिए? अरे रे, मैं कुवारों के घर पे काम नहीं करती। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब बताना, ये कपड़े इस्त्री कर देना। ये बता तू कुवारों के घर काम करने से मना क्यों करती है? इधर सुन, धोने के कपड़े मांगो तो अपने निकाल देते हैं। सुबह सुबह शुरू हो गए पापा। सुबह ही गाड़ी पटरी पे आती और उसके साथ राम नारायण की याद। वो कौन है? वो कौन है? नकली पीके मुझे तेरे असली बाप का नाम याद है, तू कैसे भूल गया? पापा उनका नाम सूर्य नारायण है। एक पैग अंदर गया और शब्दों का हेर फेर शुरू हो गया। तुझे तो पता है बेटा, 13 सालों से हम दोनों तेरे माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। ये भी गलत कहा तुमने, 13 साल से ये बेटे का फर्ज निभा रहा है। एक ही बात है, 13 साल पहले तुम पीकर रेलवे स्टेशन पर पड़े थे, तब ये तुम्हें उठाकर घर ले आया था। सॉरी बेटा, तुम्हारी माँ इमोशनल होकर मुझे कुछ कहने पे मजबूर कर रही है। क्या कहने पे? बेटा होने का शुक्रिया। You're welcome. बस करो, कितना पियोगे? पीकर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? इसका मैं क्या करूंगी? तब तक मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, इसकी भी दारू पियूंगा। देखा बेटा, हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। सीरियस मत हो, हमारे घर में हीरे जैसा बेटा कुछ नहीं बिकेगा। पीना छोड़ दीजिए ना पापा। बिल्कुल छोड़ देता हूँ, तू बैटिंग छोड़ दे, मैं दारू छोड़ देता हूँ। ये दोनों चीजें इस जन्म में तो होने से रही, बाहर निकलो। हर महीने की 1 तारीख को यहाँ भीख मांगने चला आता है, बोल आज भीख में क्या चाहिए। भाई गरीब की झोली में पैसा डाल दे। तुम्हारा मतलब मैं भी भिखारी हूँ? नहीं नहीं, उसके साथ तेरी बराबरी। वो घर घर भीख मांगता है, तू यही आके मांगता है। मकान मालिक की इंसल्ट कटा, जल्दी मेरा रेंट निकाल, जेब ढीली कर। रेंट और करंट की बातें अंदर कर, मालिक अंदर है हड़िया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? इनमें तारे देखने जा रहा हूँ, आता है क्या? शराब इससे दूर भाग सकती है पर ये शराब से नहीं। क्या हुआ अंकल? पूरे 120 महीने का भाड़ा बाकी है, आज मैं वो लिए बिना नहीं जाऊँगा। सही कहा ना? बिल्कुल। आप जानते हैं ना, फिर भी भाड़ा मांग रहे हैं। हर महीने हम बेट लगाते हैं ना। बस हो गया, तुम उल्लू पे उल्लू बनाए जा रहे हो। हर बार तुम बेट लगाते हो, हर बार मैं हार जाता हूँ, किराया माफ हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये हार जीत का खेल खत्म हो और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अंकल वो मेरा दिमाग फिराने की कोशिश मत करो बाबू, मैंने योगा करना शुरू कर दिया है ताकि मेरी खोपड़ी डाइवर्ट करके तुम इतना भी चूना ना लगा सको। तो आप भाड़ा लिए बिना नहीं जाएंगे? ना ही मैंने बैट लगाई और ना ही भाड़ा लिए बगैर वापस जाऊंगा। ये आपका फाइनल जवाब है? लॉक कर दिया जाए। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। कस्तूरांटी! क्या है राजा? आंटी मेरे बैट के पैसे। मेरी बैट के पैसे मेरी पत्नी क्यों चुकाएगी? आंटी ने कहा था कि आप बैट लगाएंगे, आपने बैट नहीं लगाई इसलिए मैं जीत गया। तुम्हारे बैट ना लगाने की वजह से आज मैं अपनी बैट हार गई। किसी दिन मुझे भी बैट में हारोगे क्या? तुम्हें आखिर बैट लगाने की क्या जरूरत थी? एक नंबर का छोरा कंपनी। एक्शन सीक्वेंस अपने घर पे करना। आंटी बैट के पैसे निकालो। चलो पैसे। अरे मत निकाल, इस महीने का भाड़ा भी हजम कर गया। ये लो राजा। अंकल ये रेंट, ये मेरा हिस्सा। बाय। एक ही बस्ती में अपने सेठ से मस्ती है? कल के मैच में मेरी महिला टीम चन चन कर बदला लेगी तुमसे। एक सड़क छाप से हार गया, लाइफ में जीत से बढ़कर और कोई नशा नहीं है। उसे हरा कर ही रहूंगा, वरना मेरा भी नाम जेम्स नहीं। उससे बदला लेना है पर कैसे? पुरुष मंडली टॉस जीत गई। सुनो महिला मंडल, घर पे वो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, बाहर हम खेलेंगे। बैट को झाड़ू समझने का और बैटिंग करते वक्त झाड़ू मारने का। और बॉलिंग कैसे करने का? अरे जैसे दीवार पर गोबर फेंकती हो। सेंटर गार्ड ला। कटोरी गार्ड है। अगर छक्का नहीं मारा ना तो तेरा चक्का जाम कर दूंगा। हम सब ने देखा, तेरा ध्यान बॉल पे ही था, ज्यादा बॉल मत। तेरा गार्ड गिर गया। हाफ सेंचुरी बना के आऊंगा, विकार मत कर। अरे वो देर दिमाग कहाँ खड़ा है? सॉरी बहन जी, सॉरी। ओके रेडी, एक मिनट आंटी। ए माँ आशीर्वाद दे ताकि मैं सिक्स मारू। आंटी बॉल तो दिखाई नहीं। अब पूरा मैच तेरे हाथ में। आ जा सिक्स मार के आ जा। ऑल द बेस्ट। ए राजा
बॉल बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए। अरे हम लोग संभाल लेंगे, तू टेंशन मत ले। आज मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ देना बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके। हाँ पापा। ए राजा, अगर पसीना है तो मेरी साड़ी से पोछ लेना। अच्छा? और हाँ, अगर प्यास लगे तो मैं बुझाने को तैयार हूँ। बेस्ट ऑफ लक जानू। अरे नहीं नहीं, इसे हाथ क्यों मिला रही है? अरे इसकी तो गिल्ली उड़ानी है हमें। चलो चलो अपनी जगह पे जाओ, लड़का देखाने की लाइन मारना चालू। इसका तो मुझे मिडिल स्टैंप लेना है, मेरी भी घंटी बजा। आंटी आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। एक और पापा। अरे भाग, बॉल ढूंढ पा रही हो, जल्दी करो। कम ऑन पापा, कम ऑन, कम ऑन बॉस। अरे जल्दी ढूंढो बॉल। पापा नहीं। पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा आके खोलिए। कुछ तो ए, एम्बुलेंस बुलाओ ना। पापा आके खोलिए ना। पापा, डॉक्टर, हे डॉक्टर। पापा कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर डैमेज हो चुका है। मेडिकल भाषा में उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट करके हम उन्हें बचा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते? दवाइयों पर जिंदा रख सकते हैं, पर सिर्फ एक महीने के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? तकरीबन 20 लाख रुपए। माँ थोड़ी बिरयानी देना। अरे पापा आप सारा खाना मेरी प्लेट में क्यों डाल रहे हैं? बेटा बुढ़ापे में इन कमजोर दांतों से मैं क्या खा पाऊंगा? पनीर तू खा, चावल मैं। पनीर तू, चावल मैं। चल नखरी मत कर, खा। क्या पापा खाना खाइए, मुझे क्यों देख रहे हैं? बस यूं ही बेटा, तुझे देखकर मेरे जीने की चाहत बढ़ जाती है। अपने बाबा की जान बचाना चाहता है। तू यहां क्या कर रहा है? तुझमें कुछ तो बात है बॉस। तू अपनी जबान का पक्का है और तेरा स्टाइल भी हटके है। जब से तुझसे हारा हूं मुझे खुद से नफरत सी हो गई है। मुझे चैन तो तब मिलेगा जब मैं तुझे एक बार हराऊंगा। कम ऑन मैन, आज तक रेस लगाकर तुमने 10-20 हजार रुपए जीते होंगे, लेकिन अगर तुम ये बैट जीत गए तो तुम्हारी जरूरत के 20 लाख मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे बस 1 रुपया देना होगा, पर फिर कभी तुम इस मुंबई शहर में बैटिंग नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? याद रखना, तुम्हारे बैटिंग करने की मुझे भनक तक नहीं लगनी चाहिए। बैट क्या है? इस बार तुम्हें कोई कार या बाइक की रेस नहीं करनी है बॉस, लव रेस है। एक लड़की को अपने प्यार में फंसाना है। किसी को अपने प्यार में फंसाना है? ये कैसी बैट है? तुम ही कहते हो ना, बैट में किक होनी चाहिए, रिस्क होना चाहिए। पर इसमें रिस्क कौन सा है? रिस्क है लड़की का बाप भवंडर बिहारी। कौन है वो? बारूद है वो। मुझे सिर्फ 2 चीजों से प्यार है, एक है पैसा, दूसरी मेरी बेटी। मैं पैसा कमाने में थोड़ा मसरूफ क्या रहा, तुम मेरी बेटी के दिल में घर बनाना चाहते हो? आप गलत समझ रहे हैं अंकल, उसने एक सवाल पूछा था, मैंने उसका जवाब बताया था बस। उसके सवाल का जवाब तुम्हें क्लासरूम में देना चाहिए था, अकेले में ले जाकर नहीं। तुम्हारे पढ़ने का ढंग उसे पसंद है, कहीं तुम्हें वो पसंद करने लगी तो समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी
मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की सजा तुझे अपनी जान गवा कर देनी पड़ेगी। बवंडर मतलब समंदर में उठने वाला तूफान और उसकी बेटी बेशकीमती कोहिनूर डायमंड। उसका नाम है माधवी, बीडीएस कर रही है। बवंडर को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। माधवी को कॉलेज ले जाने के लिए सिक्योरिटी की जितनी सैलरी है उससे आधी मुंबई की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ए गुलाटी, ए, गुलाटी, ए, गुलाटी, मैं हूँ गुलाटी, मैं चाकू की भाषा बोलूं और अपने बॉस के लिए जान भी दे दूं। तुम्हें उसकी बेटी से बस आई लव यू कहना होगा। थैंक्स, तू बिल्कुल करेक्ट टाइम पे बैट लेके आया है, मुझे बैट मंजूर है। एक बात याद रखना, ये बैट 30 दिन में जीतनी होगी। 30 दिन में ही क्यों? बॉस, तुम खुद को 30 मार खा समझते हो ना? अगर मैच में बाउंड्री ना हो तो खेलने का मजा ही क्या। आज है December 2nd, 31st नाइट को तुम्हें उसे आई लव यू कहना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो बॉस तुम्हें बैटिंग को हमेशा के लिए गुड बाय कहना होगा। ये रही लड़की की फोटो और डिटेल्स। जेम्स, 20 लाख तैयार रखना। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे पसंद है। ओवर हटा, सिर्फ कॉन्फिडेंस बोल। हमारी मैडम से टकराने की हिम्मत की, अब तो तू गया। अब जल्दी नीचे जाना चाहेगा या सीधा ऊपर? गुलाटी, ऑर्डर दीजिए मैडम। छोड़ दो उसे। ठीक है मैडम। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मतलब जाने दो, मतलब मैंने उसे माफ कर दिया। ए, अगली बार मैडम के साये से भी टकराया ना तो तुझे यहाँ से नीचे नहीं ऊपर छत से नीचे फेंकूंगा। चल निकल। बाप रे, ये सिक्योरिटी तो नीचे फेंक कर ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है। चलो भागो यहाँ से। भाग जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? भगोड़े। हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से। वो कैसे? प्लीज प्लीज, मेरा पैर छोड़ो, पागल हो गए हो? दिमाग खराब है? Yes, I'm crazy about you. ए, अगर चुपचाप नहीं मानी तो उठा के मंडप में बिठा दूंगा। ये क्या कर रहा है बे? अबला नारी को कॉलेज में खुलेआम छेड़ता है? ये कॉलेज देवी सरस्वती का वास है। भारतीय नारी को उसकी मर्जी के बिना उसका पति भी नहीं छेड़ सकता। तेरी तुम तू है कौन बे? तुझे ठीक करने के लिए मैं इसका भाई सही। कैसा कलयुग आ गया भगवान, कैसे लोग हैं ये? कॉलेज तो शिक्षा का मंदिर है और यहाँ ऐसी हरकतें। इसे क्यों मारा? तुम इसे क्यों मार रहे हो? सॉरी बहन, इसे मारना था इसे मार दिया। आजा छोटे, मैंने माफ कर दिया। अगर कोई लड़की तेरे प्यार से इनकार करती है तो तू उस पे जबरदस्ती करेगा? डायलॉग बाजी बहुत हो गई मुद्दे पे। राजा, अभी एक्शन का टाइम है। क्या लगा तुझे? तू मर्द बन के नारी को दर्द देगा और ये कॉलेज तमाशा देखता रहेगा? शराब पीकर लड़कियों को छेड़ना तू जैसे छिछोरों की पुरानी आदत है। ये पकड़ रहे क्या रे? वो ना बोलेगी तो तू उस पे एसिड फेंकेगा, उसका MMS बनाएगा, उसको टेरेस से फेंक देगा। रुक जाओ, तालियां मत बजाओ। पहले हर मर्द हर नारी का सम्मान कर ले, देन क्लैप। हेलो, ओवर एक्टिंग बंद करो और जरा वहां देखो। तुम ठीक तो हो ना? इनमें दोस्ती कब हो गई यार? सिर्फ दोस्ती नहीं, ये गुस्से से प्यार करते हैं। इस कॉलेज के बेस्ट लवर्स हैं ये। क्या कह रही हो? शादी हो जाए तो बेस्ट कपल भी हो सकते हैं। हम अतरंगी कपल है, हमारे लव करने का तरीका यही है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया बहन? तुम हिटलर की तरह पीछे ही पड़ गए, बताने का मौका ही नहीं दिया। किस कॉलेज से हो तुम? तुम्हारे पड़ोस के कॉलेज से। सोशल इशू पर लोगों का रिएक्शन देखने आया हूँ। तो सिर्फ रिएक्शन देखो,
एक्शन मत करो। राजा पापा आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। क्या है बे? राजा लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। वेरी गुड। खुश मत हो, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कॉलेज घर कहीं पर भी मिलना बहुत मुश्किल है। चुप कर, उम्मीद पर पानी मत फेर। तू टेंशन मत ले, वो हफ्ते के चार दिन डांस क्लास जाती है, तू भी ज्वाइन कर ले, पटाना आसान हो जाएगा। सिक्योरिटी बाहर, तुम दोनों अंदर, कोई अंदर नहीं आएगा। मुझे डांस वांस नहीं सीखना है। सीखने कौन बोल रहा है, सिखा तो सकता है। डांस सिखाऊं? हाँ राजा, शिकागो से डांस मास्टर यहाँ लैंड होने वाला है, तू उसकी पुड़िया बना, तेरी दुकान चालू। जैसे ही लैंड हो टेक ऑफ कर दो। वो देख, रंगीला लैंड हो गया। ये रंगीला है, शक्ल से तो काला पीला नजर आ रहा है। एक सीधे पकड़ना, सीधा पकड़। सतरंगी देख के चलना। Oh my, I think all these guys are shameless. इनसे बात करना है baseless. ची 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 ची. I should maintain distance. तुम लोग किसके लिए आए हो? आपके लिए, देखो ना। पर तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। पर हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन थी। मैं चीज़ ही ऐसी हूँ। अबे हिली चाल, ये ले। बैठी चाल, ये ले। ए धोबी पछाड़, ये ले। सर मेरा नाम धोबी नहीं, मूंगफली है। मैं धोबी हूँ या मूंगफली? डिस्टेंस मेंटेन कर। आखिर तू है कौन बे? आप हमसे डिस्टेंस मेंटेन करने कह रहे हैं? करेक्ट। तुम लोग हो कौन? इंडियंस। तुम्हारी करेंसी क्या है? रुपीस। मेरी करेंसी है डॉलर्स। हमारी करेंसी में डिस्टेंस कितना है? 60 रुपए का। तो एटलीस्ट 60 इंच का डिस्टेंस रखना। फॉलो मी। नमस्ते, नमस्ते। ये तुम्हारा भूतकाल कहाँ से आ गया? अमावस की पैदाइश है, युगांडा से डांस सीखने आए हैं। नारे चू नाउ ओपन फॉर यू पापा। ट्रांसलेट। ये काली माँ के भक्त है, प्रसाद में बूंदी के लड्डू, हलवा और आपको चूरन देने आए हैं। हमारे लोग बाबाओं की तरफ भाग रहे हैं और ये बाबा लोग भगवान की तरफ। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ क्यों नहीं, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फोटोग्राफ भी दूंगा। ये ऑडी मेरे लिए है ना? ये ऑटो आपके लिए। ओह नो। क्यों ड्राइवर, डांस स्कूल के बजाय इस खंडर में ले आए? आप लंबा सफर करके थक गए होंगे ना, आपको फ्रेश करवाने लाया। फ्रेश? और इस खंडर में? ये रंगीला फ्रेश होने भी 5 स्टार नहीं जाता है बच्चू। अरे 5 क्यों, जितने चाहिए स्टार्स देता हूँ। आप अंदर तो चलिए। सच? पर बाहर से तो ये इस बैठी चाल की तरह गंदा है। पर अंदर से आपकी तरह चमकता है सर। सच? कम ऑन। हे मजवाट। हे करेंसी डिस्टेंस। कैसी है, अच्छी है ना? हॉल्ट, ये सारी में नारी कौन है? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग। हाय। हाय। यहाँ तो कीचड़ में साड़ी पहन के फूल खिला है। ये रंगीली कन्या यहाँ क्या कर रही है? रूम सर्विस, रूम सर्विस। रूम सर्विस? ये थरथराता थाई मसाज जानती है? भरता मसाज भी जानती है। भरता मसाज कैसे होता है? लातों और घूसों से। लातों और घूसों से? यस। यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया दिखेगा सर, ये रहा आपका स्वीट रूम। ये होटल का स्वीट है या म्यूनिसिपालिटी का डंपिंग ग्राउंड? यहाँ तो मेरी मरी हुई सांस भी सांस नहीं ले पाएगी। ये आंखें फाड़ के क्या देखेंगे? ये बेड का फर्नीचर तो कबाड़ खाने का लगता है, और ये फ्रिज चोर बाजार से चुराया हुआ। ए, ये क्या? चुटकी बजा के क्या कर लेगा? मसाज करना है सर। Why you close the door? चैप्टर क्लोज करने के लिए। इतिहास का चैप्टर हूँ जो क्लोज करेगा? वो नहीं तो आप बन जाओगे। अबे हिली डुली चाल, मुंह बंद कर। रंगीले। यस। साइलेंट जोन में चिल्लाना नहीं चाहिए। क्यों, यहाँ कोई बच्चा सो रहा है क्या? ये क्या, डायबिटीज के पेशेंट के बैग में शुगर? ब्राउन शुगर है ये। ब्राउन शुगर? लेकिन ये मेरे बैग में कैसे? साथ में कोकेन और गन भी है। कोकेन और गन? तो आप कोकिंग के भी शौकीन हैं? आखिर ये सामान मेरे बैग में है, कहाँ से आया? वो देख। ओए मारा गया। उन भक्तों ने भगवान के नाम पर मेरे मुंह पर ड्रग्स की कालिक पोत दी। वो रक्षक थे या ड्रग्सक? मीरा रोड ड्रग्स स्कैंडल में पकड़े गए नाइजीरियंस थे। पिटाई और सामान की अदला बदली के बाद सब कुछ साफ हो गया।
तुमने इस डांस मास्टर को किडनैप किया है और अब मेरी जगह तुम मास्टर बन के वहाँ जाओगे और मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बन के तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। आज से मुझे तुम्हारे इशारों पर नाचना पड़ेगा। सही कहा है ना? ए, दूसरा वाला बजा रहे। रंग बिरंगे फूल मिस्टर रंगीला के लिए। हम मिस्टर रंगीला का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। पर तू तो ब्लैक एंड व्हाइट लगता है रे। कैसे पता चला मैं रंगीला नहीं? सर पे बाल कम, पेट में माल ज्यादा, तू रंगीला है। ये तो शक्ल से असिस्टेंट लगता है। ओह, तू बड़ा अकलमंद लगता है। वो रहे मास्टर रंगीला। मन करता है मास्टर को मिस्टर बना लूं। मैंने सोचा इसकी तरह कोई थकेला मास्टर आएगा, अगर तुम तो बिल्कुल चिकने हो। वेलकम सर। थैंक यू। मेरा नाम झिलमिल है, मेरी एक बहन है, करोड़ों में एक। आपका जुड़वा भाई हो तो बताना, शादी में 100 तोला सोना दूंगा। 100 तोला सोना? उसे रामबा सांबा, जैज और ब्रेक डांस भी आता है। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, मेरी फैन है? तेरी कहाँ से फैन होगी? असिस्टेंट। ओ, मास्टर की फैन है। आ जाओ अनारकली। पकड़ लीजिए पतली गली। भैया मास्टर रामचिक आइटम है। ये मेरी बहन अनारकली है, खुशी का इजहार ऐसे ही करती है। रोज मेरे कपड़े फाड़ती है, पर आपकी नहीं फाड़ेगी। ए सुन, मेरे लिए नया शर्ट लेके आ। तो अभी लाया सर। अनारकली, आज का शर्ट फाड़ने का कोटा पूरा हुआ, अंदर जा। मुझे मास्टर के साथ करना है। क्या करना है? ब्रेक डांस। अनारकली तुम अभी लर्नर हो, गलतियाँ करोगी तो इम्प्रेशन की वाट लग जाएगी। इससे सीखो, ये सिखाएगा। तो इसे अपने साथ ले जाओ भैया। हाँ निकी, और पूछ पूछ जाओ, लेकर जाओ। असिस्टेंट, असिस्टेंट जाओ, दिल लगा कर सिखा। हाथी के पैरों तले कुचला जाना। ओके स्टूडेंट्स, आज मास्टर का इंट्रोडक्शन तो सबने ले लिया, कल से तुम सबकी हिप हॉप क्लास शुरू होगी। अब आप लोग जा सकते हो। ओए डॉक्टर साहिबा, पहचाना मुझे? अच्छी तरह पहचाना। इसे जा सिखाने के लिए इसका मिजाज समझना पड़ेगा। वैसे कॉलेज में स्टूडेंट, यहाँ पर डांस मास्टर, मामला क्या है? कॉलेज में पार्ट टाइम सिखाता था, यहाँ फुल टाइम सिखाऊंगा। नाटक कर रहे हो, मुझे लाइन मारने आयो? तो क्या तुम मेरा भांडा फोड़ोगी? मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारा सरियल डांस देखकर वो तुम्हारी असलियत जान जाएंगे और यहाँ से बाहर फेंक देंगे। फिर मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे रोमांस का चैप्टर क्लोज कर देंगे। अच्छा, चंपा गली जरा लेफ्ट टर्न मार, अब राइट टर्न मार। वाह, लेफ्ट ओके, राइट ओके, हेडलाइट ओके, बॉडी ओके, बैकलाइट ओके, बम्पर भी ओके, पर गाड़ी का पिकअप थोड़ा सा स्लो है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन भड़को मत जानू, तुझे मैं अपना मानू, मेरा दिल है थोड़ा कच्चा, मगर प्यार करूंगा तुझसे सच्चा। गो टू हेल। ऑल इज वेल। थोड़ा और। बस बस। बेटा, पीने की आदत की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए तुम मुझसे नाराज है ना? नहीं पापा, अगर आप शराब ना पीते तो हम कभी मिलते ही नहीं। और अगर तू ना मिलता तो हम बे औलादों को औलाद का सुख ना मिलता। आप दोनों का एहसान है मुझ पर, वरना मुझे अनाथों की तरह रहना पड़ता। बंद करो। है? क्या कर रहा है तू? ये हिप हॉप है, लॉलीपॉप है? पैर से ज्यादा तो पेट हिल रहा है तेरा। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया डांस सीखने वाले हैं। नॉन स्टॉप म्यूजिक होगा, असिस्टेंट बताएगा स्टेप्स विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। असिस्टेंट, आर यू रेडी? मास्टर जी, अबे रुक क्यों गया? क्या हुआ? जितना घोड़े रेस में नहीं भागते उससे ज्यादा मैं डांस कर चुका हूँ, हड्डियाँ ब्रेक डांस कर रही हैं। थोड़ा पानी पी लूँ क्या? रंगीला मास्टर जी, मैं रंगीला मास्टर नहीं हूँ, 100% नहीं हूँ। 100% आप ही हैं। वो आपको ब्लैकमेल करके मास्टर बन के आप ही को नचा रहा है। बेना,
तुम्हें मैं अपनी आप बीत कैसे बताऊं? मैंने लोकल गुंडे देखे, नेशनल गुंडे देखे, इंटरनेशनल तक देखे। मेरे फेस के सामने मेरी पोजीशन लेने वाला राउडी गुंडा पहली बार देखा है। दोनों हाथ की 10 उंगलियां जोड़कर आपके पांव पड़ता हूँ। सेविंग मी। आपको मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ वो आपके पैर पड़े। मास्टर! अबे ऐसे क्यों चल रहा है? बाथरूम में फिसल गया मास्टर। फिसल गया भैया? मेरा भी फिसलने का दिल कर रहा है। नहीं है नारकली, तुम तो अभी कवारी कली हो, ऐसे अगर बार बार फिसलोगी तो डांस फ्लोर ही टूट जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, पैर कब तक ठीक होगा? 4-5 महीने लग सकते हैं या फिर 1 साल। 1 साल रेस्ट लेगा तो डांस कौन सिखाएगा? इसे डांस कहाँ आता है? अबे चुप, आखिरी अजूबे। मुझे तो लगता है कि मैं जिंदगी भर डांस नहीं कर पाऊंगा। चबाक। ओके फ्रेंड्स, टुडेज क्लास इज डिसमिस्ड, अगले हफ्ते सीखेंगे। आप नहीं सिखा सकते मास्टर, असिस्टेंट इंजर्ड है, आप तो ठीक है ना? अब आया है पहाड़ ऊंटनी के नीचे। कौन, मैं? हाँ मास्टर जी, सबने सचिन को सेंचुरी मारते हुए देखा है, सल्लू को रोमांस करते हुए देखा है, बस डांस करते हुए आपको मेरी स्लिम बहन ने नहीं देखा है। अनारकली को ढूंढ के दिखा दो ना भैया, आखिरी शर्ट है। देखिए मैडम, मैं कोच हूँ, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या बॉक्सिंग हो, कोच कभी खेलता नहीं है, मैं तो बस एक गाइड हूँ। अरे आप लोग बुद्ध बन के क्या खड़े हैं? अपने घर बेच के फीस भरी है ना, तो तमाशा मत देखिए। मास्टर से कहिए डांस दिखाएं और बोल बच्चन ना करें। मास्टर जी, डांस कीजिए। मास्टर जी, डांस कीजिए। We want hip hop. ओके, आप चाहते हैं मैं डांस करूँ ना? अच्छा पार्टनर मिले तो मैं डांस करूंगा। तो बताइए आप में अच्छा डांसर कौन है जिसके साथ मैं डांस कर सकूं? माधवी। अरे माधवी जाओ ना, जाओ, हो ही नहीं सकता। नो वे, कम ऑन। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, वहां डांस प्रैक्टिस चल रही है और तुम यहां घूम रही हो, जाओ जाओ। तो कैसा लगा मेरा टच? रात भर नींद नहीं आई होगी। इसी तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। ओ, मुझे डरा रही हो? नहीं, बता रही हूँ, माधवी डॉटर ऑफ बवंडर बिहारी। राजा, बेटिंग राजा, बॉर्न टू लव। हम प्यार के लिए कुछ भी करेगा। प्यार करोगे और मुझसे बुरी तरह हारोगे? हा? चम्मक छल्लो, मैं लाइफ में आज तक कभी हारा नहीं हूं। इस तरह क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि बात करोगी तो प्यार हो जाएगा? सड़क छाप मजनू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन सड़ी गली सड़क छाप ट्रिक से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? जीत तुम्हारे खून में है ना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आई लव यू कहूँ तो इसके लिए 3 टेस्ट देने होंगे। मतलब लव टेस्ट? जो चाहे नाम दे दो। नो प्रॉब्लम, मैं डिस्टिंक्शन से पास हो जाऊंगा। कल मेरी पूरी फैमिली शॉपिंग के लिए जीवी के मॉल जाने वाली है, तब तुम्हें मेरे डैडी और सिक्योरिटी के सामने मुझे लव लेटर देकर प्रपोज करना होगा, फिर मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। कहीं इसी बहाने मुझे टपकाने का प्लान तो नहीं है ना? All is fair in love and war, है ना? अंग्रेजी में मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ, पर प्यार में पक्का हूँ। हमारी लव स्टोरी का पहला पन्ना कल लिखूंगा, तो कल मॉल में मिलेंगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड से पिटे या तुमने उन्हें मारा तो तुम हार जाओगे। शर्त के अंदर शर्त। ओके, चल देख लेंगे। आई विश यू वेरी बैड लक, बाय। मुझे गिफ्ट में क्या देंगे? तुम कहो तो पूरा मॉल ही तुम्हें गिफ्ट कर दूं। थैंक यू डैडी। हे बवंडर, कौन है तू? वहां आकर बताऊं या यहीं से चिल्लाकर बोलूं? सुनो, उसे यहां आने दो। हाँ,
क्या बवंडर बिहारी, इतनी सारी सिक्योरिटी, इतने बॉडीगार्ड्स, इतनी बंदूकें, इतने गुंडे, बाथरूम जाते हो तो इन्हें साथ लेकर जाते हो? हे, जानता है तू किससे बात कर रहा है? जानता हूँ बे, बवंडर। बॉडी के हिसाब से नाम में दम है, लेकिन मेरे आगे तो पानी कम है। साले तुझे इधर ही ठोक दूंगा। हे, बंदूक नीचे। है कौन तू? राजा, बैटिंग राजा, आदमी कम रिस्क ज्यादा। चचा जान, पता नहीं आपकी बेटी को कब और कहां देखा, पर देखते ही फ्लैट हो गया। मुद्दे की बात करता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपके सामने आपकी बेटी को प्रपोज करने आया हूं। बेबी, दूध में चावल मिले तो खीर कहते हैं, और तुम जैसी प्रेमी मिले तो तकदीर कहते हैं। आई लव यू। खत्म कर दो इसे। हटो हटो हटो, देसी बकरा चैनल आ गया। हटो। सॉरी सर, ये था एक रियलिटी शो, आज के देसी बकरा आप बने हैं। हम लोग टीवी में आएंगे? हाँ। यस बेबी। सर सर, हम स्पेशल एपिसोड शूट कर रहे हैं सेलिब्रिटी पर, ये संडे टेलीकास्ट है। हाँ सर, आपको बकरा बना दिया। सॉरी सर, आपके धासु परफॉर्मेंस के लिए आपको इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? सब एक्सेल। तालियां तालियां। तेरी तो रुको, इस प्रोग्राम का डायरेक्टर कौन है? वो रहे मैं। कॉन्सेप्ट कंसीव्ड एंड डायरेक्टेड बाय वीवी पुरी। इसी सर्फ एक्सेल से इसकी धुलाई करो। ये नाक नक्शा कैसे बिगड़ गया? ब्लैक एंड व्हाइट। आज कपड़ों के साथ साथ मैं भी धुल गया। तुम अपने कपड़े धोते क्यों हो? मेरी बहन से शादी कर लो, वो तुम्हारे कपड़े धोएगी। तुम्हारी बहन मेरे कपड़े धोएगी? क्या हुआ भैया? तुम्हारी बहन जो कपड़े पहनती है ना, उसे कपड़े नहीं तंबू कहते हैं। उसे ही धोने में पूरा दिन लगेगा। कहाँ जा रही हो? प्रैक्टिस का टाइम है। गुड, कॉफी कॉफी। चलो बाय। सफेदी की चमकार, कहानी में ट्विस्ट कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही चीप ट्विस्ट था। पर वो क्यों? क्यों मतलब? अपनी हीरोइज्म तो दिखाई नहीं, टीवी शो का सहारा लिया और पिटाई किसी और की हुई। क्या करूं प्रीतम प्यारी, तुमने कंडीशंस अप्लाई किया, मैंने कॉमन सेंस अप्लाई किया। ये तो बहुत आसान था, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट में मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें रोज दूंगा। मेरे घर आओगे? चाहो तो बेट लगा लो। चार फ्लोर्स, 8 हॉल्स, 20 बेडरूम्स और 200 सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी डे नाइट गन्स के साथ। तुम मेरे घर आओगे, मुझे रोज दोगे, प्रपोज करोगे? डेफिनेटली, घोड़े की रफ्तार से आऊंगा, शेर की तरह तेरे घर का दरवाजा भी तोड़ूंगा और तेरे आदमियों को कुत्ते की तरह मारूंगा। ओके डन, तुम किसी को भी मारो, पर कोई तुम्हें ना मार पाए। मुझे ये शर्त मंजूर है, अगर मुझे किसी ने भी मारा या मेरे खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो अपना लव का चैप्टर क्लोज कर दूंगा। देखेंगे। तुम देखोगी, तुमने रियलिटी शो तो देख लिया, अब रियल शो दिखाता हूँ। अगेन आई विश यू वेरी बैड लक। थैंक यू। राजा, बैटिंग राजा, आदमी कम रिस्क ज्यादा। hey, गुलाटी। यस बॉस। ये सब क्या है, किसने किया ये सब? वो टीवी चैनल वाला आया था, मैडम को रोज देके चला गया। वो रोज दे रहा था, और तुम लोग क्या कर रहे थे? बॉस, हमने उससे रोज छीनने की कोशिश की, हमने उसे मारने की भी कोशिश की। इस तरह से कोशिश की? बिल्कुल इसी तरह मारा था बॉस। ओके गर्ल्स, बाय बाय, सी यू टुमारो। या देखा तुमने, आंखें मेरे प्यार में गिर गई ना। लेटर और फूल दोनों दे दिया, अब तुम आई लव यू कब कहोगी? मेरे डैड तो घर पर नहीं थे, उसी वक्त आकर मुझे फूल देना कोई हीरोगिरी नहीं है। मैं इंप्रेस नहीं हुई। अच्छा,
जरा लेफ्ट टर्न मारना तो। तुम्हारे कार्बोरेटर में तो कचरा भरा है। नेक्स्ट टेस्ट में बाप के पीछे नहीं, उसके सामने से तुम्हें उठा ले जाऊंगा। वो भी एक दो घंटों के लिए नहीं, पूरे एक दिन के लिए। और तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। इम्पॉसिबल। सिक्योरिटी डबल हो गई है और हथियार ट्रिपल। अरे मेरी लाल छड़ी, एक बार जो मैंने सोच लिया वो सोच लिया, फिर चाहे बंदूकें हो या तुम्हारे पालतू कुत्ते, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारी उस सिक्योरिटी को पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं तुम्हारे घर के अंदर आया और कब तुम्हें लेके वहाँ से उड़ गया, और तुम्हें घर फिर से मैं ही ड्रॉप करूंगा। तुम्हारा लव ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस बार तुम किसी को भी मार सकते हो और वो तो तुम्हें मार ही सकते हैं। अगर फिर भी सही सलामत बच गए तो सोचूंगी। अरे मेरी आटे की बनी हुई मैदे की रोटी, आई लव यू कहने के लिए रेडी रहना। आई विश यू वेरी गुड लक। सर क्लियरेंस जल्दी हो जाएगा। ए गुलाटी। यस बॉस। वो लड़का जो शॉपिंग मॉल में मिला था और घर पर आया था, वो किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दो। जरा गॉगल्स निकाल ताकि पता चले कि तू देख भी सकता है कि नहीं। अगर निकालोगे तो मुझे दे देना। बाय डैडी। बाय बाय बेटा। जा भगा उन्हें, इनके मुंह कौन लगेगा। चलो निकलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ गई? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हो? लव के लॉन्ग ड्राइव पर मैडम। तुम अंदर कैसे आए? आइए मैडम। माय सन। ये कौन है? ये है फादर पीनट और मैं इनका चेला फादर प्रोमोग्रेना। आप हमारी कार में कैसे आए? नो योर कार, ये हमारी कार है। काइंडली चेक पिछू की नंबर प्लेट। हम चर्च जा रहे थे तभी तुम्हारी और हमारी कार ट्रैफिक में बदल गई। तुम दोनों जुड़वा भाई हो क्या? हम दोनों अलग अलग माँ के जुड़वा बेटे हैं। स्टॉप दोस्त इयर्स, कम नियर। बॉस तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं, यू जस्ट टेक केयर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, वो मेरे सामने गाड़ी में गई पर रास्ते में ही गायब हो गई। मैं कहता हूँ ढूंढो उसे। ए, गाड़ियां निकालो। चीज़ हो तुम। कहा था ना, तुम्हारी सिक्योरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो कॉलेज, नो सिक्योरिटी, नो गन्स। आज अपनी जिंदगी जी भर के जी लो। तुम मेरी टेंशन नहीं समझ रहे हो वकील। प्रेस को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर बताना है तो कमिश्नर को बताओ। बॉस, माधवी मैडम आ गई। हटना बे। आइए मैडम। आज तेरे भेजे में सारी गोलियां उतार। अब तू देख चूजे, ना तू बचेगा और ना ही तेरी ये नौकरी। चलाइए सर, गोली चलाइए। आपकी बेटी को सही सलामत लाया इसलिए यहाँ यहाँ मारिए मुझे। बॉस इसकी बातों में मत आइए। तू क्या सर को भड़का रहा है? मैं बताता हूँ ना सर, मैंने मैडम को लेटर दिया, रियलिटी शो था, फूल दिया, मैटिनी शो था, और अब ये कहेगा ये फिल्म का नाइट शो है। हो सकता है ये कहे कि मैं गली का गुंडा हूँ, है ना बे? तू यही कहने वाला था ना सर को? इसका यकीन मत कीजिए बॉस, ये एक्टिंग में सबका बाप है। ए, बाल का अकाल, मारता है छू होता है, मारता है छू होता है, यही बोलेगा। कब आता है कब जाता है, कब आता है कब जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है, यही कहना ना मेरे बारे में? बोलना, बोल। खामोश खामोश, आखिर तुम हो कौन? ये हुई ना बात, इन गधों ने मुझसे यही सवाल नहीं पूछा।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई तो मुझे ये पूछता। बॉस ये हमें बातों में बहका रहा है, पूछिए इसे इसने मैडम को किडनैप किया या नहीं। एड़े, मैंने कब मना किया, कब मना किया मैंने, मैंने मैडम को किडनैप किया। पर क्यों? ताकि आपको पता चले आपने कितने गधे पाले। सर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऐसे गधों की फौज पालने के लिए, इनके बदले मुझे एक मौका देकर देखिए सर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस से एक एप्लीकेशन कम हो जाएगी। आज से तेरी बाइक मेरी हो गई, और सिग्नल पे जो मेरी बाइक है उसे तू उठा लेना। चलता हूँ सर, बाय मैडम। बॉस ये मेरी बाइक है। कल से तुम उसके अंडर काम करोगे। मुझे तो लगता है हम दोनों को आज के आज नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। मुझको नहीं, तुमको ढूंढना है। हेलो, कौन है? आवाज नहीं पहचानी मेरी? मैं हूँ। माफ करना दयानंद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया है। एक रोड़े के अलावा अब हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। मतलब काम शुरू कर सकते हैं? तुम्हारी आवाज में खुशी नहीं झलक रही। मैं कामयाबी की सरहद पर खड़ा हूँ, पर उसे पार करने में एक अड़चन आ रही है। मैं पॉलिटिक्स की कुर्सी पर बैठा हूँ, सब संभाल लूंगा बंधु। पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक लड़का हाथ धोकर माधवी के पीछे पड़ा है। मुझे डर है कहीं वो लड़का मेरी बेटी को भगा कर ना ले जाए। उसे कुछ दिन के लिए उस लड़के से दूर रखो, दोनों को मिलने मत दो। उस लड़के को हम 1 जनवरी के बाद देखेंगे, ठीक है ना? वही करना पड़ेगा। 1 जनवरी तक 20 लाख रुपए जमा कर दोगे? कर दूंगा डॉक्टर। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं ऑपरेशन की डेट बता दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुम ऑपरेशन के पैसे दे दोगे? पर मैं तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, बवंडर ने माधवी का कॉलेज जाना बंद कर दिया है। उसके जन्मदिन तक उसकी सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया है। अब तुम्हारे बाबा की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो। 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए इसी वक्त आ रहा हूँ। नहीं प्लीज, इस बार रिस्क मत लेना। देखो माधवी, मैंने तुम्हारे 3 टेस्ट पास कर लिए, मुझे तुमसे वो 3 शब्द सुनने हैं। प्यार का इजहार टेंशन में या प्रेशर में नहीं करते। 31 दिसंबर को मैं डांस स्कूल आ रही हूँ, ठीक रात 12 बजे जब सब लोग नए साल को वेलकम कर रहे होंगे, तब मैं तुम्हें आई लव यू कहकर अपने दिल में तुम्हारा वेलकम करूंगी। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतने सुबह सुबह फोन क्यों किया? तुझे एक शॉकिंग न्यूज देनी है बेटा। December 31st को रात ठीक 12 बजे मैं बेट जीत जाऊंगा और तू फिर से हारेगा। अपने साथ पैसे लेकर आना, अपनी आंखों से देख लेना, कानों से सुन लेना, माधवी मुझे आई लव यू कहेगी। आइए आइए आइए। सर, दयानंद जी अभी तक आए नहीं? वो यहाँ नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं मीटिंग में। ए, इधर आ। इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ये तो कोल्ड ही नहीं है, फ्रिज में नहीं रखा था क्या? बर्फ डाल कर रहा हूँ। बर्फ नहीं, ठर्रा डाल के ला। टाइम टाइम की बात है। सुनो, 12 बजने वाले हैं, जाकर माधवी को ले आओ। जी। माधवी अपने कमरे में नहीं है।
ध्यान से देखो, वहीं होगी वो। हर जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रही है। धोखेबाज, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ माधवी, क्या हुआ? डैड को हमारे बारे में पता चल गया, भाग चलते हैं। चलो भाग जाते हैं, प्लीज चलो। मैडम को हमारे हवाले कर दे और निकल ले यहां से। तुम कुछ धमाकेदार देखना चाहोगी? पलक मत झपकना। अगर ये गोली आपकी बेटी को लग गई तो? बेटी? हाँ। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसे पाला ताकि मैं उसे मार सकूं। वो कोई मामूली लड़की नहीं ले गया, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले गया। चला उन दोनों का? नहीं सर, पर शहर के हर चेकपोस्ट को अलर्ट कर दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन दे दी है।
हर जगह उसके फोटो भिजवा दिए हैं। एक घंटे के अंदर अंदर हमें माधवी का पता चल जाएगा सर। चल जाएगा नहीं, चलना चाहिए। हाँ अंकल बोलिए। क्या वो लड़का तुम्हारे पास खड़ा है? दूर खड़ा है बोलिए। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, चौकन्ना रहना। ठीक है अंकल। एक मिनट, मोबाइल का यूज मत करना, सिग्नल से ट्रेस हो जाने का खतरा है, इसलिए मोबाइल फेंक दो। समझ गए। झूम सकती हूँ, नाच सकती हूँ। अरे यार कहाँ फंस गया। अरे क्या हुआ, मुझे इतनी खुशियाँ देकर तुम क्यों इतने दुखी लग रहे हो? हाँ वो कल रात से कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट देख लिया ना। मुझे सिर्फ आई लव यू सुनना था और तुम मुझे जंगल में ले आई। एक बात भेजे में नहीं घुस रही, कल तक तो तुम साइलेंट मोड में थी, अब अचानक लाउड मोड में कैसे आ गई? तो और क्या करूं? कल तक तो मैं टाइट सिक्योरिटी के बीच इनसिक्योर थी, पर आज मैं आजाद हूँ, नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। आई एम सो एक्साइटेड। वो तो दिख रहा है राजा, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर तीसरा टेस्ट भी पास कर लिया। आई लव यू, ये तीन शब्द कहने के लिए इससे ज्यादा रोमांटिक जगह हो ही नहीं सकती। सो आई वांट टू से आई। एक मिनट, ये बात तुम्हें यहाँ नहीं किसी के सामने कहनी है। किसी के सामने कहनी है मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार के सामने कहूँ तो तुम्हारे लिए मैं ये भी कर सकती हूँ, पर ये कौन है जिसके बारे में तुम? राजा डैडी होंगे, तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे। चल। Hey, पहले ऊपर कौन जाएगा? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो तुम लोग? हैं सर, सर सिर्फ एक बार आप मुझे थाई मसाज दिलवा दीजिए, उसके बाद मैं हंसते हंसते सूली चढ़ जाऊंगा। Hey, बाकी सब नीचे बैठे हैं, पर तू ऊपर क्यों बैठा है? सह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, पिछवाड़े की इतनी धुलाई हुई है कि नीचे बैठ नहीं सकता। उसने तुम्हें ब्लैकमेल कर तुम्हारी जगह डांस स्कूल में डांस मास्टर बनकर आ गया, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। सर आप भी तो तमाशा देखते रह गए, आपकी बेटी को उठा कर ले गया और आपने क्या उखाड़ लिया उसका? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसका प्लान मुझे बता दो, सबको छोड़ दूंगा। अपने सर की कसम हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग एक ही चौल में रहते हैं सर, इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आई शपथ। वो क्या करने वाला है किसी को पता नहीं चलता, करने के बाद जो होता है वो सबको पता चल जाता है। चल तेरा फोन दे। इतने बड़े आदमी हो सादा फोन नहीं रख सकते? ले, मना थोड़ी किया। वो तुम्हें फोन जरूर करेगा। मेरा फोन नंबर कंपनी को याद नहीं, उसे क्या याद रहेगा? अगर फोन किया तो ये दसवां अजूबा होगा। अगर उसने फोन किया तो ये मास्टर रंगीला आपके चरण धोके पिएगा। बोलो कब छोड़ोगे मुझे? शाम तक मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। थैंकिंग। एक तो पहले पापा का टेंशन, ऊपर से अब इसे संभालो। ए जरा मोबाइल देना। मोबाइल? हाँ एक अर्जेंट फोन करना है तो। सॉरी वो तुम्हें मिलने के चक्कर में मैं अपना मोबाइल घर पर छोड़ आई। तुम्हारा मोबाइल जिसमें अनलिमिटेड टॉक टाइम है घर पे भूल कर आ गई? पर तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तुम भी घर पर भूल आए क्या? तुम्हारे बाप के भेजे गुंडों की धुलाई कर रहा था तब डांस स्कूल में गिर गया। अरे वाह, इसका मतलब हम कहाँ है किसी को नहीं पता। देखो किसी को पता होना चाहिए, किसी एक इंसान को। चलो कहीं से फोन का बंदोबस्त करते हैं। ओह नो, क्या हुआ डार्लिंग? पेट्रोल खत्म हो गया जानू। तुम्हारा या बाइक का? बाइक का। हम कहाँ हैं फुलटू मजनू? लगता तो जंगल है। कौन सा जंगल? गढ़चिरौली जंगल। गढ़चिरौली? मुझे तो कहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, फिर यहाँ क्यों ले आए मुझे? मैं कहाँ ले आया जानू? तुमने जो मुझे इतना कस के पकड़ा था तो मेरा सारा ध्यान उसी पर था। ये भी लगता है लॉन्ग ड्राइव पर आए थे। हेलो आई एम राजा। हाय माधवी। हेलो नमस्ते। I'm FM, full to Majnu, the love guru. Love guru मतलब 0.5 FM? 0.5 FM नहीं, 93.5 FM. सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। देखा डार्लिंग, मेरे फैंस मुझे जंगल में भी फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी, आप जो लव पर टिप्स देते हैं ना, उसी से इंस्पायर होके इसे पटाया है। सच्ची? मेरे पास इतना दिमाग है? आप तो लव के आईफिल टावर हैं।
तुम बहुत आगे तक जाओगे, विरार तक। अरे सर आप मिले इस पर कोई यकीन नहीं करेगा, मैं अपने दोस्तों को ये बात सुनाता हूँ। तो सुनो। तो फोन लाओ। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? जब जंगल में साथ लड़की का सिग्नल हो गुरुजी, तो फोन का सिग्नल किसे चाहिए? स्मार्ट बॉय, तुम मेरे फैन हो, अनलिमिटेड बात करो, आउटगोइंग फ्री, एफएम वाले बिल भरेंगे। थैंक्स गुरुजी। नहीं दयानंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों सुनूं? मुंह बंद रख। ऐसी नाजुक हालत में आप बहुत चल रहे हैं, आपके हल्के पैर भारी हो गए होंगे। प्लीज सिट डाउन सर। मारा, स्कूल की घंटी जितनी बार नहीं बजी उतनी बार आप मेरी बजा चुके हैं। बॉस, इसका फोन बज रहा है। ये रॉन्ग नंबर है, जरूर आपका ही होगा सर। ले बात कर। मैं प्राइवेट कॉल्स नहीं लेता। ओनर बिहारी जी कहते हैं तो बात कर, बात कर। रंगीले मास्टर, आपने अचानक मुझे फोन क्यों किया सर? क्या मतलब? अगर तुम्हारा सपोर्ट ना होता तो मैं माधवी के इतने करीब कैसे आ पाता? इसीलिए तो नए साल की मुबारकबाद देने मैंने तुम्हें पहले फोन किया। इतने सालों से मुझे किसी ने विश नहीं किया, आपको यही मौका मिला। हाँ मास्टर जी, बताओ मूंगफली अनार और छिलका कैसे? उन्हें क्या होना है, खा पी के सांड हो गए। ये क्या कर रहा है? काम की बात कर, पूछ कहाँ है। समझ गया, बताइए इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरे ससुर के सामने। मम्मी, हे, एक बाप की औलाद है तो सामने आ। मेरे बाप के बारे में कुछ बोला ना तो इतना मारूंगा कि अपने बाप का नाम भूल जाएगा। मेरी बेटी कहाँ है? 70 kg weight, 170 सेंटीमीटर हाइट, सिक्स पैक बॉडी और इतना जिगर है कि किसी भी तूफान का सामना कर लूंगा। इन शॉर्ट ससुर जी, आपकी बेटी बेटिंग राजा के पास सेफ है। hey, तू अपनी मौत से खेल रहा है। पैदाइशी शौक है वो मेरा, जिस दिन मिलेगा ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबे पहले पकड़ के तो दिखा, फिर आगे का प्लान बनाना। सूरज डूबने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा। तेरी ये डेडलाइन मैं कल तक एक्सटेंड करता हूँ, पकड़ के दिखा। hey! Hey! तू चिल्लाएगा गला बैठेगा, मैं चिल्लाऊंगा बिजली करके करके। तेरी तो। शांत हो जाइए सर, मामला गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से हल होगा। उस लड़की से भले ही आपको प्यार ना हो पर 10,000 करोड़ से तो है। अबे टकले, बॉस ये नंबर इंस्पेक्टर सक्सेना को दे दे। ठीक है बॉस। तूने बोला था वो फोन नहीं करेगा, ऐसा लगा था, गलत लगा था, इंसान गलती हो जाती है इंसान से। भुने हुए पापड़, साले सड़े हुए टमाटर, गले सड़े आम, जली हुई दाल, तेरे को तो मिर्ची पाउडर लगाकर भट्टी में डाल दूंगा। थैंक यू लव गुरु। अरे कोई बात नहीं। ओ बैटरी लो हो गई। अच्छा जरा बाइक को धक्का मारो ना मैचोमैन, हमें देर हो रही है। वैसे भी आपके फैंस आएंगे हेल्प करने। फैंस हम लगा के आयशा। हेलो, मेरे फैंस आ गए, देखा जानो। सुमो में से सुमो पहलवान उतर रहा है, पिकनिक मना रहा है। अच्छा तो आप लोग जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं? तो क्या तुझे पेट्रोल देने आए हैं? तो बस थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी से निकाल कर गाड़ी में डाल दो। थोड़ा क्यों, टैंकी फुल कर देंगे। तुझे रेगुलर चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पावर वाला? एक्स्ट्रा पावर वाला, ज्यादा जोश आ जाएगा। ज्यादा जोश आ जाएगा, जरूर दूंगा। पहले अपना नाम तो बता। FM फुल टू मजनू द लव गुरु। ये कम सिंह कन्या कौन है तेरे साथ? ए, क्या घटिया सवाल किया ब्रो। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? फ्रेश पीस। तूने इसे बाइक का लालच देकर अपने जाल में पकड़ लिया है। पकड़ती तो ये है कसके। हेलो सर, आई एम बसंत। वेट, इसे कराओ, डेट मेरे साथ है, पार्टी बदलो। यस मिस्टर फुल टू मजनू, जंगल में क्या कर रहा है तू? आप भी ना, तोन बढ़ा ली पर दिमाग नहीं बढ़ाया, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर आए हैं। ये बात है, तू रेडियो स्टेशन से इस एकांत जंगल में सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के लिए आया है। इस इंस्पेक्टर शिंदे को शेंडी मत लगा। अब तक तो नहीं लगी। मजाक उड़ा रहा है, मेरी खींच रहा है। हाँ। अभी तुम्हारे फोन से फोन किसने किया था बताओ? मेरे चेले ने ब्रो, वो अपने आइटम के साथ साइट सीइंग करने गया। क्या कहा तूने, वो तेरा चेला है? ए, ऑर्डिनरी चेला नहीं है, एकलव्य जैसा है। तू जानता है वो कम सिंह किसकी बेटी है? होगी किसी गधे की बेटी। वो किसी गधे की बेटी नहीं है, गधे बवंडर बिहारी की बेटी है। बवंडर? वो कौन है? सर ये रॉन्ग है सर, जिस देश में आतंकवादी से नरमी से पेश आते हैं उस देश में मुझ जैसी सेलिब्रिटी को सेल में धोया जा रहा है।
खामोश, बता जल्दी बोल, भवंडर बिहारी की बेटी को तेरा कमीना चेला कहाँ ले गया है? सर, आपका डंडा तो उठाना। आपके पतले डंडे की कसम, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं। वो तो बस मेरा चेला है, मार डाला। चेला है और तूने उसे अपना फोन ऐसे ही दे दिया? चेला साइड सीन पे और गुरु पिंकी के साथ शुरू। करेक्ट, स्मार्ट बॉय है, इसलिए इतनी कमली उम्र में सब इंस्पेक्टर बन गए। फिर मार डाला। जबान का भी तो इस्तेमाल करो। मैं सब इंस्पेक्टर नहीं हूँ, सबका इंस्पेक्टर हूँ। सर, बड़ी मुश्किल से इस ढलती उम्र में कबली पीस हाथ में लगी है और आप मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेरे जा रहे हैं। वो मेरा चेला नहीं है। अगर तेरा चेला नहीं है तो तू उससे अपने पैर दबा रहा था। गाना आइटम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर ए, बदली कर। अच्छा, अपना स्टूडियो छोड़कर शहर से तू सीधा जंगल तक लॉन्ग ड्राइव पर गया था? अरे कम अकल वाले भैंसे, बार बार वही रट लगा रखी है। बोला ना कि वो ऐसे चिपक के बैठी थी कि मजे लेने में पता ही नहीं चला कि कब मैं जंगल में घुस गया। ऐसा है क्या? और क्या। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, सबूत इकट्ठा करने। मैं भी तो देखूंगी तेरी बात कितनी सच्ची है। सर, वो फूल जैसी नाजुक और आप भैंसे जैसे भारी, क्या होगा? प्यार में नो टेंशन बालक, नो सॉरी। मैं अपने मोटे से फिगर को पतला करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा हूँ, शायद तेरी तरफ मेरी भी तन्हाई दूर हो सके। अब समझ में आया, बच्चन साहब क्यों बोलते हैं कि कॉल में आपकी जिंदगी बदल सकती है। जाओ जाओ, टेस्ट ड्राइव लो। राजा, बहुत भूख लगी है। तो मुझे खा लो ना। काश खा सकती, पर अभी नॉनवेज खाने का मूड नहीं है। तो फिर ये पेड़ पत्ते खा लो ना। मैं बकरी थोड़ी ना हूँ। एक मिनट, क्या है? कुछ आवाज आ रही है ना। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। चलो नहाते हैं। मुझे नहीं नहाना, तुम जाओ। क्यों? मैं दो दिन में एक बार नहाता। लेकिन क्यों? हमारी बस्ती में एक दिन छोड़कर पानी आता है। तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। ओके। नहीं, पूरे 13 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया था। आज उस जमीन पर हमारा काम शुरू हो चुका होता, पर उसकी वजह से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। एक दिन उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शांत हो जाओ। तुम्हारे इसी गर्म दिमाग की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आया। भवंडर, जो काम चाकू से नहीं होता वो गन से होता है, जो गन से नहीं होता वो बॉम्ब से होता है, और जो काम बॉम्ब से भी नहीं होता वो मेरा बेटा कर सकता है। सुनो। हाँ सर। फोन करके उसे दुबई से बुलाओ। हाँ सर। साला घड़ी घड़ी ऑर्डर देता है। में पावर, जेब में पुलिस और गुंडे 1040, फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। दरअसल वो लड़का हजारों पर भी अकेला भारी है। हाँ, मगर आप सबका दिमाग खाली है। आप उससे मेरी शादी करवाने वाले थे और उसकी प्रॉपर्टी का लालच देकर कहा कि उसे दूर रहो, और इसीलिए आपने मुझे दुबई भेज दिया। क्या उखाड़ लिया आपने? एयरपोर्ट वो गए नहीं, किसी भी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन वो पहुंचे नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर कहां गए वो दोनों? नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लुका छुपी का खेल उन्होंने शुरू किया और देखना खत्म मैं करूंगा। फॉरेस्ट टीवी चैनल देखकर तो लगता था कि जंगल बहुत ही रोमांटिक होगा, पर मेरे तो सपनों पे पानी फिर गया। ए, ऊपर आसमान खत्म नहीं होता और यहां तुम्हारी बकबक, पता नहीं रास्ता लेफ्ट से निकलेगा या राइट से, और तुम्हों की तुम्हें रोमांस की पड़ी है। चलो। सफेद कमल के फूल। <laughs>
ए, रुको, पानी गहरा हुआ तो डूब जाओगी। मुझे सफेद कमल के फूल बहुत पसंद हैं। प्लीज एक लाकर दो ना। मुझे सफेद कमल के फूल बहुत पसंद है, लेके आओ ना। क्यों? कुछ नहीं। तुम्हें सफेद कमल के फूल पसंद है? ये मेरी जान है। और तुम्हें? ये मेरी जान को पसंद है। कौन है वो? माधवी। वहां देखो, वहां क्या आग लगी होगी? नहीं, धुएं का मतलब है कोई घर या ढाबा होगा। थैंक गॉड, मुझे कुछ तो खाने को मिलेगा। और मुझे शायद फोन मिल जाए। अरे भैया, 10 वाला चिप्स कितने का? 10 का। 10 का? हाँ। 1 रुपए में देता है क्या? शादी में है। 5 का आधा देते। चल निकल। तू नहीं दिया, मैं ले लिया। क्या पैसा पैसा करता रहता है। फोन नजर नहीं आ रहा। यहाँ का स्पेशल अदरक कटिंग चाय, साथ में पानी फ्री। पहले मैं आया हूँ, मेरे टेबल पे पानी रख। तो ढाबे के बाहर चिप्स बेचता है और अंदर वेटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कान खजूर है। अगर आधे सेकंड में टेबल पे इडली नहीं दिखी तो 1 सेकंड में तेरा ढाबा नहीं दिखेगा। चल निकल, चल। क्या लाओ सर? तुम्हारे पास फोन है? घर पे पंच मार रहा है। मैं क्या पंच मारूंगा सर, वो झंडू मेरी मारता है। देखो दोस्त, मुझे एक अर्जेंट फोन करने के लिए फोन चाहिए। फोन तो झंडू के पास है, लेकिन पहले आपको बिल चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जाओ। अभी जाता हूँ। अरे पहले सुनो, 4 गर्मा गर्म रोटी और अंडा करी लेकर। अरे यार, सैटरडे में अंडा नहीं खाती। तो क्या खाओगी? एक्चुअली चिकन लेकर आना। अभी तो कहा तुम अंडा नहीं खाती। उसकी मम्मी चलेगी। लेकर आओ। ये ले इडली तेरी। अबे तो बासी है। ताजी है। ठीक है, चटनी डाल। ये ले ठूस। चटनी इडली के पास होनी चाहिए। ले आ गई। खुश? हाँ। अब झुक के खाना। चलेगा। अन्ना, खाने का ऑर्डर दिया है, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। ओहो, फोन चाहिए? मुझे घर पर एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके बाद ले लेना। हेलो सर, आपने जिनका फोटो दिया था वो मेरे ढाबे पे हैं। मैंने किसका फोटो दिया था? मैंने दिया था। बोलो। वो इस वक्त मेरे ढाबे पर खाना खा रहे हैं सर। उन्हें वहीं रोक के रखना। आदमी जल्दी भेजिए सर। सुनो बेटे, तुम्हें इसी वक्त नंदी का ढाबा जाना होगा। भाई साहब, ये लीजिए फोन, आराम से बात कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बैठो जल्दी।
यू बॉस। यू आर वेलकम बॉस। तुम यहां? हाँ पार्टनर, मैं। साले गाड़ी रोक पहले। तेरी तो कहां मर गया था तू? तेरा फोन ट्राई कर करके दिमाग पक गया मेरा। चल पैसे निकाल। हंस क्यों रहा है तू? क्यों? जब तक माधवी तेरे सामने नहीं कहेगी यकीन नहीं होगा। तुम्हें मुझे इसके सामने आई लव यू कहना होगा। कह दो। इस तरह क्या देख रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे वो तीन टेस्ट पास करने के लिए मैंने कितने रिस्क उठाए हैं? क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूं जो तुम हंस रही हो? वहां मेरे बाबा मौत से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन कामयाब रहा, तुम्हारे बाबा सेफ हैं। यकीन नहीं हो रहा है राज। जहां तक मैं जानता हूं बेटा, तू बचपन से बैटिंग करता आ रहा है। तेरी जिंदगी दांव पर लगती थी और डर मुझे लगता था, लेकिन आज तेरी यही बैटिंग ने मेरी जिंदगी बचाई। तेरे दोस्त ने डॉक्टर को पैसे दे दिए हैं, इसलिए तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी है। तुमने पैसे दिए बेट जीतने से पहले ही? जिस दिन तुमने बेट लगाई थी उसी दिन हमें पता था तुम जीत जाओगे राजा। तुम इस बेट के बारे में कैसे जानती हो? वो बेट लगाने के लिए मुझे इसी ने कहा था। हाँ राजा, तुम अपने बाबा को बचाने के लिए मेरी जिंदगी में आए हो, पर मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। मैं 13 साल से हर बैट जीत कर भी हारती आई हूँ, लेकिन तुमने जिंदगी की हर बैट जीती है। दूसरों को हमेशा मदद करने का तुम्हारा स्वभाव मेरे दिल को छू गया। मेरी फैमिली के सामने लव लेटर देने की तुम्हारी हिम्मत पर मैं फिदा हो गई। मेरे घर में आकर मुझे गुलाब देकर तुमने बहादुरी दिखाई। मुझे सिक्योरिटी से आजाद करवा के इस दुनिया से रूबरू करवाया जिससे मैं बेखबर थी। तुम्हारे पापा का ऑपरेशन अगले दिन होने वाला था, फिर भी तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं गए। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम्हारे अंदर 100 लोगों का गुरूर है, 1000 लोगों की ताकत है और लाखों लोगों का दिमाग है तुम में। इसीलिए मैंने अपने बचपन के खास दोस्त जेम्स को तुम्हारे पास भेजा। बैटिंग तो सिर्फ बहाना था तुम्हारे पास आने का। जेम्स, हाथ छोड़ दे वरना तुझे जान से मार दूंगा। Ah!
जेम्स, उसका नाम अन्नू है। हा? ये तुम्हें कैसे पता? मेरे माँ बाप के अलावा सिर्फ अन्नू ही मुझे चेरी बुलाया करती थी। ये लॉकेट उसी ने मुझे दिया था। इसका मतलब तुम सूर्यनारायण जी के बेटे हो। हाँ बाबा, राजा और कोई नहीं, सूर्य नारायण जी का बेटा है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरा जिंदा रहना उतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा सच जानना जरूरी है। तुम एक बहुत बड़ी सच्चाई से बेखबर हो। तुम्हारे पिताजी ने जो पूजा करवाई थी उसमें जो हादसा हुआ था वो हादसा नहीं था, वो धमाका जानबूझकर करवाया गया था। अपना गांव रायदुर्ग, जिसकी कुल देवी देवी भवानी थी, पर गांव के जीते जागते भगवान तो तुम्हारे पिताजी थे। विजय प्रताप और तुम्हारे पिताजी कॉलेज के जमाने से जिगरी दोस्त थे। उन दोनों की सच्ची दोस्ती की वजह से तुम्हारे पिताजी के कहने पर विजय प्रताप जी ने अपनी 3,000 एकड़ की जमीन रायदुर्ग के किसानों को खेती करने के लिए लीज पर दे दी। विजय प्रताप अपने बिजनेस के सिलसिले में लंदन चले गए। इसी फिराक में था उनका साला बवंडर बिहारी। सर, हमें जांच से पता चला है ये जो 3,000 एकड़ की जमीन विजय प्रताप ने किसानों को खेती करने के लिए लीज पर दी है उसमें ए ग्रेड का आयन ओर है। अगर हम इस जमीन को खोदकर सारा का सारा आयन ओर निकाल लें तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। मुबारक हो तुम्हें भी। किसानों को पता ना चले इसलिए हम उसे पावर प्रोजेक्ट का नाम देंगे, लेकिन उसकी आड़ में चलेगा अपना धंधा और किसानों को फंदा। यहाँ पर उन्होंने किसानों को मजदूरी छोड़कर अमीर बनने के सपने दिखाना शुरू कर दिया और लोगों को गोनी भरकर पैसे देने का वादा।
अगर फैक्ट्री बन गई तो हमारे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। तुम्हारे पिताजी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो प्रोजेक्ट बोगस है और वो आयन ओर के लिए जमीन हथियाना चाहते हैं, पर भोले भाले गांव वाले बवंडर के झांसे में पूरी तरह से आ चुके थे। हमें कोई परवाह नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, हमें बच्चों का भविष्य देखना है। हमें माफ कर दीजिए। बवंडर ने मासूम गांव वालों की आंखों में सुनहरे सपने सजा दिए थे। जब उन्हें परवाह नहीं तो आप उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी हमारे अपने हैं, थोड़ा बहक गए हैं। कुछ दिनों बाद विजय प्रताप लंदन से आ जाएगा, तब मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। सूर्य नारायण जी, ये सच्चाई विजय प्रताप जी को ना बता दें, इसीलिए उसी रात उन्हें अगवा किया गया। बवंडर बिहारी के आदमियों ने सच्चाई बताने पर तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारने की धमकी दी। अगले दिन विजय प्रताप लंदन से वापस आए। आओ बेटी, आओ। विजय प्रताप जी की आंखें तुम्हारे पिताजी को देखने के लिए बेचैन थी। मुझे लगा सूर्य नारायण मुझे लेने आएगा, पर वो है कहाँ? वो नगर पंचायत गया है जमीन के काम से। आइए चलते हैं। वो जानते थे कि सूरज देर से निकल सकता है, पर सूर्य नारायण उनसे मिलने कभी देरी से नहीं आ सकता। विजय प्रताप जी को बवंडर पर शक होने लगा और वो तुम्हारे घर पहुंचे। तुम्हारे मां के आंसुओं ने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने अपने दोस्त सूर्य नारायण को कोठरी से रिहा किया और बवंडर को सबक सिखाने की ठान ली। जीजा जी, खामोश। बवंडर, यहां से अभी निकल जाओ। बवंडर ने जगह तो छोड़ दी मगर जमीन का लालच ना छोड़ पाया। अब ये जमीन सिर्फ और सिर्फ किसानों की होगी, अब कोई लीज नहीं होगी। आने वाली पूनम की रात को मेरी बेटी माधवी का जन्मदिन है और उस दिन देवी दुर्गा भवानी के महायज्ञ में मैं जमीन के सारे पेपर्स अपनी बेटी के हाथों से किसानों में बांट दूंगा। अगर आप ऐसे हालात में उनकी फैमिली पर हमला करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। अरे ये मोटी मोटी किताबें लेकर क्या कर रहे हो तुम? कोई रास्ता ढूंढो। एक रास्ता है, विजय प्रताप की मौत के बाद प्रॉपर्टी उनकी बेटी की होगी। हाँ तो हमें उसके बारीक होने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद उसके एक ही दस्तखत से सारी प्रॉपर्टी आपकी। अगली सुबह किसानों को जमीन लौटाई जाने वाली थी। पूरा गांव खुश था जैसे कोई त्योहार हो, पर जैसे ही तुम फूल लेने गए वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या हो रहा है? मत करो। रो मत बेटा, आज से मैं मामा नहीं तुम्हारा पापा हूं। बवंडर बिहारी ने माधवी को गले लगाया और उसकी जायदाद का बाप बन बैठा। उन दरिंदों ने पुलिस के सामने उस साजिश को ट्रांसफार्मर का धमाका बताया। जिस जमीन पर किसान अनाज उगाने वाले थे वो जमीन उन्हीं के खून से लथपथ थी। तुम्हारे पिताजी उस जमीन के लिए लड़े और उसी के लिए अपनी जान कुर्बान कर बैठे। तुम्हारे पिताजी उन जल्लादों का पर्दाफाश ना कर सके, पर तुम तो कर सकते हो। उन गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं जिंदा हूं। ये रहे उस 3,000 एकड़ जमीन के कागजात, जाओ पिताजी की अधूरी इच्छा पूरी करो। जेम्स, बिहारी को फोन लगा।
क्यों रे, मेरा जरा सा भी डर नहीं है? तू मेरा कोई नहीं है ये मैं जानती थी। तू वो राक्षस है जिसने मेरे डैडी को मार डाला, तुझसे क्या डरना। इतनी छोटी सी थी, जब से मैंने इसे पाला है इसे सच्चाई का कैसे पता चला? और 1 जनवरी के दिन जब वो 18 साल की हुई तो उसे भागने का आइडिया किसने दिया? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तेरा बेटा जेम्स उस जंगल में उन दोनों के पास क्या करने गया था? आखिर तेरे बेटे ने इसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? तो सुनो, जेम्स मेरे कहने पे ही जंगल में माधवी की जान बचाने गया था। मेरा बेटा बहादुर है, वो दोस्ती का फर्ज निभाना जानता है, और ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। दरअसल ये खेल मेरा ही रचाया हुआ है। मैं तुम्हारे गंदे इरादे जान गया था, इसलिए माधवी की हिफाजत के बारे में मुझे फिक्र होने लगी थी, इसलिए मैंने झूठी वसीयत का नाटक किया। माधवी के बालिग होने तक आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। मैं बस माधवी को जिंदा रखना चाहता था ताकि तुम्हारी काली करतूतों के बारे में उसे बता सकूं। पैसों के लालच में तुमने भी उसे अच्छी तरह पाला। 2 महीने पहले ही मैंने उसे तुम्हारी असलियत बता दी। फिर मैंने एक ऐसे इंसान की तलाश शुरू कर दी जो शेर की तरह बहादुर हो, बुलेट की तरह तेज हो, बम की तरह विस्फोटक हो, और ये सारी खूबियां मुझे जाबाज बेटिंग राजा में दिखी। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते मुझे ही काटने चला है, बता तेरी हिम्मत कैसे हुई? नमक हरामी तुझी से सीखी है। चला गोली, हजारों घरों को रोशन करने के लिए आज अगर मैं मिट भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। मेरी कुर्बानी जाया नहीं होगी, मेरी मौत का बदला बेटिंग राजा लेगा। अबे वो बदला क्यों लेगा? वो बस्ती वाला लड़का हमें क्यों मारने आएगा? वो बस्ती वाला नहीं, तुम्हारा बाप है। रायदुर्ग गांव याद है? तीसरी गली, दूसरा मकान, ग्राम पंचायत कार्यालय के पास, सूर्य नारायण। ये उसी सूर्य नारायण का बहादुर बेटा है। सूर्य नारायण का बेटा? क्या वो सूर्य नारायण का बेटा है? क्यों, तुम्हारे खून में सुनामी क्यों उठने लगी? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुमसे बदला लेने के लिए उसने मुझे मेरे बचपन के साथी से मिलवाया। वो अपने बाबा का बदला लेने आता ही होगा, तुम सबका सर्वनाश करने, तुम सबको गीदड़ की मौत मारने। वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ सब पर टूट पड़ेगा। वो तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी और पानी तक नहीं मांगेगी। बकवास बंद कर। इसके बेटे का फोन है। ले बात कर उससे, उससे बोल कि जमीन के सारे कागजात लेकर राय दुर्ग पहुंच जाए, और फिर हम उसे उसके बाप के पास पहुंचा देंगे। बुलाओ उसे वरना इसे मार डालेंगे। बुलाओ उसे, बात कर उसे। हेलो बेटा, मैं माधवी को लेकर रायदुर्ग पहुंच रहा हूँ। राजा को जमीन के कागजात लेकर वहीं आने को कहो। माधवी की मौत के डर से मैंने उसे नहीं बुलाया है, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम सबकी मौत का जश्न मना सकूं।
वही चाल, वही अकड़। तुझे देखकर तेरा बाप याद आ गया। वही जगह, वही लोग, लेकिन मैं बरसों बाद यहाँ आया हूँ इतिहास बनाने के लिए। बच्चे हो अभी तुम, इतिहास बनाने में खुद इतिहास बन जाओगे। अबे सरकारी पिल्ले, इतिहास गवाह है कि नेताओं की कुर्सी जनता नहीं उखाड़ी है। आज तेरे भी दिन भर गए। ए, जहां खड़ा है ना वही गाड़ दूंगा। ए, मैं भी यहां फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद करने नहीं आया। मुझे मेरी अन्नू चाहिए और तुम्हें जमीन के कागजात। बता अन्नू कहां है? अन्नू मुझे नहीं मालूम, यहां सब जानते हैं वो कहां है, पर कोई तुझे नहीं बताएगा। उधर देख। क्या बात है, 13 साल पहले इन्हें लगा कि सूर्य नारायण का बेटा मर चुका है, पर जैसे ही इन्हें पता चला कि तू जिंदा है दौड़ते चले आए। हमें जमीन चाहिए और इन्हें तुम अपने बाप की अधूरी इच्छा पूरी करोगे ना। वाह, सुना है तुम बैटिंग के बहुत बड़े राजा हो और कोई भी बैट कभी हारते नहीं हो, जीतना तुम्हारी फितरत है, तो चलो एक बैट हम भी लगाते हैं। अगर तुम ये बैट जीत गए तो अनु भी तुम्हारी और प्रॉपर्टी भी तुम्हारी। जिस पिता ने सिर्फ मुझे पाला है उसके लिए मैंने जान दांव पर लगा दी, तो तू सिर्फ सोच के अपने सगे पिता के लिए मैं कितनों की जान ले सकता हूँ। तुम्हें किसी की जान लेनी नहीं है, जान बचानी है। अब देखना यह है कि 10 मिनट में मरने वाले को तुम कैसे बचाते हो। जानना चाहेगा 10 मिनट में कौन मरने वाला है? हे चिल्ला मत, याद कर जिस जगह कभी तेरे अपनों का खून बहा था, अन्नू वहीं पर है, जा बचा ले उसे। हे दुर्गा भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, इस गांव में 1000 घर हैं, उनमें से अन्नू किस घर में है ये तूने पता लगा लिया तो तेरे मरे हुए बाप की इच्छा पूरी हो जाएगी। जा। Let's go.
तक हम किसानों को केवल हल चलाते हुए देखा है। आज इन कमीनों को दिखा दो, ये किसान अगर हथियार उठा ले तो क्या हो सकता है। Jump.